गरवाल। ये शब्द सुनते ही दिमाग में हिमालय की पहाड़ियां आती है। यही महादेव का स्थान है, यही वो जगह है जहां महाभारत लिखी गई थी, और यही वो जगह है जो मुगल ले नहीं पाए थे। आज हम 17वीं शताब्दी यानी 17th सेंचुरी की यहाँ के राजा महीपत शाह की रानी रानी कर्णवती की वो कहानी सुनेंगे जिससे उनका नाम नागकटी रानी पड़ गया था। शाहजहां के नाक में कैसे दम कर रखा था हमारी रानी ने, मुगल अटैक्स फेल करने के अलावा गढ़वाल के विकास का भी श्रेय रानी कर्णवती को ही जाता है। लेट्स फाइंड आउट मोर। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री। 1631 CE में गढ़वाल के राजा महीपत शाह के निधन के बाद रानी कर्णवती ने ही सारा किंगडम संभाला था। उनके बेटे पृथ्वीपत शाह को राजा बनना चाहिए था, पर वो सिर्फ 7 साल के ही थे, तो उनके एडल्ट होने तक सारा किंगडम रानी कर्णवती ने संभाला। उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ राज किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल मुगल उनके राज पर अटैक करेगी ही। एंटिसिपेट कर रही थी कि शाहजहां सोचेगा कि राजा के मरने के बाद तो किंगडम वीक हो गई होगी, एक रानी क्या कर लेगी इत्यादि। इसीलिए रानी कर्णवती ने बहुत ही तगड़ा स्पाई नेटवर्क बना लिया था जिससे उनको आसपास की खबरें मिलती थी, और इसी स्पाई नेटवर्क के चलते उनको पता चला कि शाहजहां ने अपने बेटे निजाबत खान को भेजा है गढ़वाल पर अटैक करने के लिए 30,000 की सेना के साथ। ना निजाबत खान और ना ही शाहजहां ये जानते थे कि रानी कर्णवती के पास कुछ बहुत ही बहादुर और वफादार कमांडर्स थे, और ये थे माधव सिंह भंडारी, रिकोला सिंह और बनवारी दास। माधव सिंह के लिए तो एक बहुत ही फेमस कहावत थी गढ़वाल में कि धरती पर सिर्फ 3 तरह के सिंह होते हैं, एक बाघ, दूसरा वो जो गाय के सर पर होता है, और तीसरा माधव सिंह। 1640 में गढ़वाल सेना और मुगल सेना के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। मुगलों को पहाड़ों में लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ ही समय में ये क्लियर हो गया कि मुगलों की हार तो निश्चित है। ये समझते ही जो समझदार मुगल सोल्जर्स थे वो वहां से भाग निकले, और जो बच गए उनको रानी कर्णवती ने कैद कर लिया। इन कैदियों को सबक सिखाने के लिए रानी कर्णवती ने इन कैदियों की और इनके जनरल निजाबत खान की नाक कटवा दी और इनको वापस भेज दिया ताकि वो जाके ये कहानी बता सके अपने राजा को। इसी इंसिडेंट के बाद इनका नाम पड़ गया नागकटी रानी। पॉइंट ये है कि धर्म फॉलो करने के चक्कर में हमने हमेशा जीतने के बाद भी इनको ये समझकर छोड़ दिया कि ये वापस वही काम नहीं करेंगे। रानी कर्णवती से नाक कटवाने के बाद मुगल गढ़वाल की तरफ कभी नहीं आ पाई। पृथ्वी चौहान ने भी घोरी के साथ यही किया था, वो भी 15 बार, बट घोरी ने चांस मिलते ही पहली बार में उनको मरवा दिया। आसाम के राजा प्रीतु ने भी यही किया था, और शिवाजी महाराज के राज में भी यही हुआ था, बट खैर जो हुआ वो तो हो चुका है। पॉइंट ये है कि क्या आज भी हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं? सोचिए थोड़ा, हर चीज़ बोलने की तो नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।